हाउसफुल सीरीज की अगली फिल्म मीटू की चपेट में आ गई है। डायरेक्टर साजिद खान पर इतने संगीन आरोप लगे कि हाउसफुल 4 की शूटिंग रोक देनी पड़ी। खुद साजिद खान को फिल्म से हाथ खींचना पड़ा और डायरेक्शन से तौबा करनी पड़ी। साजिद खान को निर्देशन से बाहर करने में बड़ा रोल अक्षय कुमार का रहा। आज सुबह अक्षय ने धमाकेदार ट्वीट किया, मैं अभी अभी विदेश से वापस लौटा हूँ और परेशान करने वाली खबरें पड़ी हैं। मैंने हाउसफुल 4 के निर्माताओं से जांच पूरी होने तक शूटिंग कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की है। मैं किसी भी ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करूंगा जो दोषी पाया जाएगा। जिनके साथ भी ज्यादती हुई है उनकी पीड़ा सुनी जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। आपको बता दें कि अभिनेत्री सलोनी चोपड़ा ने फिल्ममेकर साजिद खान पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सलोनी चोपड़ा ने 2011 का वाकया याद करते हुए बताया कि जब वो साजिद खान को इंटरव्यू देने गई थी तो उन्होंने उनसे ऐसे सवाल पूछे जिसे सुनकर वो सहम गई। वो मुझसे कहता था कि मैं इतनी सेक्सी नहीं दिखती हूँ जैसे एक हीरोइन को होना चाहिए। एक्ट्रेस रसेल वाइट ने भी साजिद पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। रसेल का कहना है कि साजिद ने उन्हें घर बुलाकर स्ट्रिप डांस करने का दबाव डाला। मीटू के आरोपों ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। एंड आई जस्ट होप दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंट्री बिकमिंग अ सेफर प्लेस फॉर वुमेन। आई थिंक दिस इज गोना गेन मोमेंटम एंड फाइन पब्लिसिटी वर्ल्ड वाइड, विच इज वाई आई होप दैट मेन आर गोना बी scared about doing this to anybody ever again. यूं तो साजिद ने नैतिकता की दुहाई दी है। ट्वीट कर कहा कि जब तक दोष मुक्त नहीं हो जाते फिल्म निर्माण से दूर रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड पीड़ितों के साथ खड़ा दिख रहा है।